हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, और उसी का हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे। और उसी में देख रहे थे कि हमारे पड़ोसी देशों का कैसा उनका विकासशील है, और उसी का भारत, पाकिस्तान और चाइना की, हम इन तीनों देशों का आपस में कंपैरिजन आपका देख रहे थे। इनकी तकनीकी विकास प्रॉब्लम, इन सभी पर हम लोग गौर कर कर बात कर रहे थे। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है, उसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई है, मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसी टॉपिक में, इसी में आगे। चलिए, कोई डाउट है, कोई क्वेरी, कोई पर्सन? ठीक, नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ जाते हैं। तो एक बार पुनः हम लोग चैप्टर को आपका इसमें अच्छे से आपका देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर हमारा क्या था, भारत और उसके पड़ोसी देशों की तुलनात्मक विकास का अनुभव अध्ययन हम लोग कर रहे थे। और इसी चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हमने परिचय को देखा कि कैसे कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच पंचवर्षीय योजना और दीर्घकालीन लक्ष्य को निर्धारित करते हुए चीज़ों को हमने शुरू किया। विकास का पथ और एक चिंतन रेखा को हमने देखा। ठीक, चीन में कैसे एक दलीय व्यवस्था है उसको हमने जानने का प्रयास किया। ठीक, जननांकीय संकेत क्या थे, डेमोग्राफिक जो आपके इंडिकेटर हैं वो किस प्रकार के थे, उन सभी को हमने इस लेक्चर में आपका जानने का, उनको पढ़ने का, उनको पूरा प्रयास किया। और हमने कुछ आंकड़े हमारे पास दिए गए थे, जिन आंकड़ों को हमने आपका इसमें गौर करके उनको एक एक करके हमने देखा। आगे देखिए, हमने भारत और चाइना की जो एग्रीकल्चर लैंड है और पाकिस्तान के एग्रीकल्चर लैंड, उसमें क्या क्या पशु पाले जाते हैं, किस प्रकार का उसका अपना प्रोडक्शन है, उन सभी के बारे में हमने एक एक करके इसमें आपका बात की। चलिए, फिर उसके बाद हमने भारत पाकिस्तान चाइना के जो हमने सकल घरेलू उत्पाद है, ये जो आपका जीडीपी दर है, उन जीडीपी दर और रेट को हमने आपका देखने का प्रयास किया, और उसी पर हमने थोड़ा बात भी की थी। ठीक, गौर कर लिया कैसे कैसे भारत और पाकिस्तान चाइना के कारोबार हैं, इनको हमने देखा। सेवा सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सारे सेक्टरों को हमने देख लिया है और उन पर हमने बात भी की। इतना हम सब कुछ इसमें देख चुके हैं, सारे प्रवृत्ति, मानव विकास सूचकांक के कुछ संकेत थे, कैसे भारत पाकिस्तान चाइना का आपस में कंपैरिजन है, इन सारे विकासात्मक चीजों को हम लोगों ने इसमें एक एक करके गौर करके हमने आपका देख लिया है। चलिए, तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई पर्सन आपको? तो मानव विकास के संकेत को भी हमने इसमें देख लिया। अब हम 10 बार जो मेन टॉपिक है जिस पर हम लोग बेसिकली इसमें बात कर रहे हैं, उसको देखेंगे। सामान्यतः यह देखा जाता है कि किसी देश की विकास नीतियों को आपने विकास देश के लिए मार्गदर्शन एवं सीख के रूप में ग्रहण किया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में सुधार कार्यक्रमों के लागू होने के पश्चात ऐसा विशेष रूप से देखा जाता है। अपने पड़ोसी देशों की आर्थिक सफलताओं से कुछ सीख ग्रहण करने के लिए आवश्यक है कि हम उनकी सफलता तथा विफलताओं के मूल कारणों को समझें। यह भी आवश्यक है कि हम उनकी रणनीतियों के विभिन्न चरणों के बीच अंतर और मतभेद करें। विभिन्न देश अपनी विकास प्रक्रिया पूरे अलग अलग तरीके से करते हैं। आइए सुधार कार्यान्वयन को आरंभ करके हम उन बिंदु के रूप में लें जिन्हें हम जानते हैं कि सुधार कार्यक्रम का आरंभ चीन के 1978, पाकिस्तान के 1988, भारत के 1991 में हुआ। सुधार पूर्व, सुधार पश्चात अवधि की उपलब्धता और विफलताओं का संक्षिप्त मूल्यांकन करें। चीन ने संरचनात्मक सुधार 1978 में क्यों प्रारंभ किया? चीन को इन प्रारंभ करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोई बाध्यता नहीं थी।
यानी कि ना तो मुद्रा कोष ने ना ही कोई IMF ने किसी प्रकार की आपकी बाध्यता जो है उनके लिए आपका नहीं रखी थी। सारी चीजें बड़ी साफ जैसा कि भारत और पाकिस्तान को थी, चीन के तत्कालीन नए नेता माओवादी शासन के दौरान चीन की धामी आर्थिक समृद्धि और देश में आधुनिकीकरण के अभाव को लेकर संतुष्ट नहीं थे। उन्हें महसूस किया गया कि विकेंद्रीकरण, आत्मनिर्भरता, विदेश प्रतियोगिकी और उत्पादन तथा पूंजी के बहिष्कार पर आधारित आर्थिक विकास माओवादी दृष्टिकोण से विफल रहा है। व्यापक भूमि सुधारों, सामुदायिकीकरण, ग्रेट ली फॉरवर्ड तथा अन्य पहलों के बाद से 1978 में प्रति व्यक्ति अन्न उत्पादन उतना ही था जितना कि 1950 के दशक के मध्य में रहा। 1950 के मध्य के दशक में रहा उतना ही यहाँ तक आपका रहा। यह भी आपका देखा गया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में आधारिक संरचना की स्थापना किए जाने के फलस्वरूप भूमि सुधार, दीर्घकालीन विकेंद्रीकरण योजना और लघु उद्योग पर सुधारोत्तर अवधि में सामाजिक और सांकेतिक में निश्चित रूप से हुआ है। सुधारों के प्रारंभ से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को बड़े व्यापक स्तर पर प्रसार हो चुका है। कैसे हो चुका है? बड़े व्यापक स्तर पर आप उनका प्रचार या प्रसार जो है आप उनको देख सकते हैं, आप उनका समझ सकते हैं। कम्यून व्यवस्था के कारण खाद्यान्नों की अधिक संपूर्णता वितरण है। विशेषज्ञों को यह भी कहते हैं कि प्रत्येक किए गए सुधार में आप उनकी सारी चीजों को बहुत अच्छे से देख सकती हो। विकेंद्रीकृत शासन के महाप्रयोग में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लागतों की सफलता या विफलता का आकलन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब छोटे छोटे भूखंडों में कृषि के लिए व्यक्तियों को दी जाने वाले बहुत बड़ी संख्या में लोग समृद्ध बने हैं, तो इसके लिए फलस्वरूप ग्रामीण उद्योग अभूत विकास की स्थिति बनी है और आगे सुधारों के लिए मजबूत आधार बनेगा। विद्वान ऐसे अनेक उदाहरण देते हैं कि चीन में सुधार के कारण किस प्रकार तीव्र समृद्धि है। कैसे है? किस प्रकार की आपकी तीव्र समृद्धि है? विद्वान तर्क देता है कि सुधार प्रक्रियाओं से पाकिस्तान में तो सभी आर्थिक संकेतों में गिरावट आई है। हमने पिछले खंड में देखा है कि वहाँ 1988 के दशक में GDP क्षेत्रों में घटकों की समृद्धि दर अभी भी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। यदि भी पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के संबंधित आंकड़े बहुत सकारात्मक रहे, परंतु पाकिस्तान के सरकारी आंकड़ों का प्रयोग करने वाला यह संकेत देता है कि वहाँ निर्धनता बढ़ रही है। 1960 के दशक में निर्धनता का अनुपात 1940% था, जो कि 1980 के दशक में गिरकर 25% हो गया। हाल ही के दशक में पुराने बड़े पाकिस्तान में समृद्धि दर, उन सब ये आपके ये सारे कारण जो हैं रहे हैं। कृषि समृद्धि, खाद्य आपूर्ति, तकनीकी परिवर्तन स्थगित होकर अच्छी तरह से फसल पा रही है और एक अच्छी दिशा में है। जब फसल अच्छी होती है तो आर्थिक भी ठीक रहती है, और अच्छी नहीं रहती है तो आर्थिक संकेत नकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। आपको ध्यान होगा कि भारत को अपने भुगतान संतुलन संकरण को ठीक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से आपका उधार लेना पड़ा है, IMF से भी उधार लेना पड़ा है। विदेशी मुद्रा प्रत्येक देश के लिए एक अनिवार्य घटक है। यह जानना आसान होगा कि कैसे अर्जित करें। यदि कोई अपने विनिर्माता उद्योग को धारण करने, निर्यात में मुद्रा कमाने में सामर्थ्य है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में अधिकांश विदेशी मुद्रा मध्य पूर्व के काम करने वाली पाकिस्तानों की आय, प्रेरणा और स्थिरता के महानिर्यातों पर प्राप्त होती है। एक ओर विदेशी महाऋणों पर निर्भर करने की प्रवृत्ति है, दूसरी ओर पुराने ऋणों को चुकाने की कठिनाई की जाती है। कि कैसे हम पुराने ऋण चुकाएं, क्या उनकी प्रवृत्ति हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, आप देखते हैं कि जब भी किसी देश को कोई पैसे की जरूरत होती है, किसी आर्थिक तंगी से कुछ होता है, तो हम उनको देख सकते हैं। ठीक, समझिए इसको, फिर आगे देखिए। देख लिया इतना? यहां तक कोई डाउट है?
अच्छा, अगर भारत और चाइना का अगर आप विकास क्रम देखें कि कैसे ये आत्मनिर्भर हुए हैं, कैसी इनकी आत्मनिर्भरता रही है, कैसे इनको महसूस किया जाता है, इन सभी को आप गौर करके इसमें देख सकते। देख लिया इतना, अब थोड़ा सा देखिए इन्हें कीजिए। आप देखिए, जब भारत ने विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि की है, लेकिन भारत की मानव विकास सूचकांक विश्व के पूरे बुरे देशों में से एक है। अगर आप देखेंगे, भले ही भारत ने विकास कर लिया है, लेकिन आप भारत का जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखेंगे तो वो बड़ा बुरा है। मतलब हमें नेपाल पाकिस्तान से भी नीचे स्थिति में आती है। भारत कहाँ गलती हुई? क्योंकि हम अपने मानव विकास में रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्लास में चर्चा करें। देखिए, ये पाकिस्तान है, ये भारत है। भारत का निर्यात देखिए, पाकिस्तान का देखिए, ये आपस में सारा कंपैरिजन करिए तो एक एक चीज बड़ी आसानी से आपको सारी क्लियर हो जाएगी। अब हम पीछे थोड़ा सा गौर करते हैं इस मानव विकास के सूचकांक में। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्कोर देखिए, वहीं बगल में चाइना का स्कोर देखिए। रैंक देखिए, भारत की 130 और चाइना के देखिए 87। जन्म प्रत्याशा देखिए भारत में कितनी है और उधर कहाँ देखनी है आपको, चाइना में। ठीक। और सबसे बड़ी बात है, आधारिक स्वच्छता की सेवा की संख्या भारत में 60 है और चाइना में कितनी है, 75। इस डाटे को भी थोड़ा सा गौर करके देखिए। देखा है ना? अब देखिए, जननांकीय जो संकेत है आपको डेमोग्राफी में, अनुमानित मिलियन में देखिए भारत है आपका 13 52 और पाकिस्तान, मतलब चाइना जस्ट निकट है और पाकिस्तान तो खैर बहुत पीछे है। और इसी तरह से आप प्रति वर्ग में देखिए, भारत का स्कोर अच्छा है, चाइना का बहुत कम है, पाकिस्तान का भी ठीक ही है, चाइना से तो अच्छा है प्रति वर्ग में। देखिए, अगर हम देखें, हम बहुत सारी चीजों में चाइना से बड़े आगे हैं, लेकिन उन कारणों को अगर सही निकाले तो हम और भी आगे हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है कि हम चाइना से उन स्थितियों में आगे बढ़ें। उन सारी चीजों को हम लोग पार करें, उन सारी चीजों को हम लोग गौर करके देखें जो हमको देखनी है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें, हालांकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक वृद्धि को वापस करने और बनाए रखने में सफल हुआ है। वार्षिक योजना 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 के में सकल घरेलू उत्पाद में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि पिछले दशकों की तुलना में सबसे अधिक है। जबकि कृषि क्षेत्र में विकास दर संतोषजनक रहा, औद्योगिक और सेवा दर में विकास दर 4.9 और 6.2% रही। कई समाइष्ट अर्थशास्त्री के अनुसार सूचक सकारात्मक रुझान की ओर था और इसकी ओर ही आपका वो इशारा भी करता था। यानी कि जो भी हमारा समष्टि अर्थशास्त्र को अगर आप देखें, ये क्या इशारा कर रहा है, हमारी सकारात्मक जो रुझान है, जो हमारे पॉजिटिव प्रयास हैं, उनकी तरफ ही आपका ये रुझान आपका बढ़ा है और उसी की तरफ आपका बढ़ता रहा है। ठीक, ये आपको देखना है। अब इसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आपने अपने पड़ोसी देश के विकास के अनुभव में क्या सीख लिया है? भारत, पाकिस्तान और चीन की 7 दशक लंबी विकास यात्रा रही है। 7 दशक मतलब 70 साल लंबी क्या रही है, विकास यात्रा रही है। उन्हें अलग अलग परिमाण प्राप्त हुए हैं, यानी कि अलग अलग रिजल्ट मिले हैं। 1970 के दशक में उत्तरी गोलार्ध में से 3 का ही विकास दर निम्न था। पिछले 3 दशकों में इन 3 दशकों का विकास अलग स्तर रहा है। लोकतांत्रिक संस्था सहित भारत का निष्पादन साधन रहा। अधिकतर लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं। भारत ने आधारिक संरचना के विकास और जीवन में सुधार के लिए कई पहल, और विद्वानों का मत है कि राजनीतिक अस्थिरता, पर्यावरण और विदेशी सहायता में अत्यधिक निर्भरता और कृषि क्षेत्र में अस्थिर निष्पादन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की गिरावट का कारण है। पिछले 5 वर्षों में कई समष्टि अर्थशास्त्र सूचक सकारात्मक और मध्य विकास दर को दर्शाते आए, जो कि आर्थिक पुनरुत्थान को सूचित कर रहा है। चीन में राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव है, मानव अधिकार उनके निर्था चिंता के मूल विषय हैं। फिर भी
अंतिम चार दशकों में से इन्हीं पर अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को खोए रखने, बिना हजार व्यवस्था को बनाने तथा निर्धनता का निवारण के साथ साथ समृद्धि के स्तर को पाप के बढ़ाने में सफल रहा है। आप यह भी देखेंगे भारत और पाकिस्तान में जहां सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम में निजीकरण का प्रयास हो रहा है, वहां चीन ने बाजार व्यवस्था का उपयोग आंतरिक समाज और आर्थिक मुआवजे को सृजन करने के लिए किया है। सामुदायिक भू स्वामित्व को कायम रखने के लिए लोगों को और भूमि पर कृषि की अनुमति देकर चीन ने ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा निश्चित कर ली है। चीन में सुधार से पूर्व भी सामाजिक आधारिक संरचना उपलब्ध कराने में सरकारी हस्तक्षेप मानव विकास के संकेत आपके परिमाण क्या हुए हैं, सकारात्मक हुए हैं। तो ये सारे विकास क्या रहे हैं, आपके सकारात्मक भाव के दिशा में रहे हैं और आप इनको पॉजिटिव वे में आप इनको देख सकते हैं और पॉजिटिव वे में आप इनको समझ सकते हैं। ठीक, चलिए तो इसको एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए। जितना चैप्टर आपने पढ़ लिया है, इसमें कोई डाउट कोई क्वेरी आ रही है तो मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो हम वापस इसमें आगे की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ होने के बाद से विकासशील देशों के अपने आसपास के क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया नीतियों को समझने के लिए उत्सुक हैं। यही कारण है कि उन्हें अब केवल विकासशील देशों से ही नहीं भरना, जैसे कि अनेक विकासशील देशों से प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ रहा है। भारत पाकिस्तान चीन की भौतिक संपन्नताओं तो काफी समानता थी, परंतु उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं बिल्कुल भिन्न है। तीनों ही देश के इसी तरह की योजनाओं को विकास के रूप में सफल आधार बनाया है, किंतु उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए उन्हें संरचनात्मक बनाई गई जो विभिन्न प्रकार की। 1980 के दशक से प्रारंभिक वर्षों में तीन देशों के सभी विकास संकेत समान थे। कैसे थे उनके विकास संकेत? समान थे। चीन ने आर्थिक सुधार 1978 में आरंभ किया, पाकिस्तान ने 1988 और भारत ने 1991 में। चीन ने संरचनात्मक सुधार का निर्णय स्वयं ले लिया। भारत और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में ऐसे सुधार के लिए बाध्य किए गए। तीन देशों में द्वारा अपनाई गई उपनीतियों में विभिन्न थी। उदाहरणार्थ चीन में केवल एक ही निसंतान जनसंख्या में समृद्धि रुकी हुई थी, किंतु भारत और पाकिस्तान में इस दिशा में अभी भी परिवर्तन बाकी है। 70 वर्षों की योजनाबद्ध विकास के बाद भी विकास जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग अभी भी तक कृषि पर आपका निर्भर है। भारत में कृषि महानिर्भर सबसे अधिक है। चीन ने परंपरागत विकास नीतियों को अपनाया है, जिससे विकास क्रम में निर्माण और उसके बाद सेवा की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति है। भारत तथा पाकिस्तान सीधे कृषि से सेवा क्षेत्र की ओर चला गया है। पाकिस्तान कहाँ चला गया? कृषि सीधा आपका सर्विस सेक्टर की ओर। और चीन में आज भी विकास की परंपरा है, वो आपका कृषि से विनिर्माण की ओर गए हैं और उसकी तरफ आगर हो रहे हैं। तो भारत एग्रीकल्चर से कहाँ जा रहा है? भारत और पाकिस्तान सीधा आपका सर्विस सेक्टर की ओर बढ़ रहा है। ठीक, तो कह रहे हैं चीन में औद्योगिक क्षेत्र की उच्च समृद्धि दर कायम रही है, जबकि भारत और पाकिस्तान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसके फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान के विपरीत चीन को औद्योगिक समृद्धि के कारणवश प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि हुई है। चीन के अनेक मानव विकास संकेत भारत और पाकिस्तान से आगे हैं, इसी के बावजूद इसकी प्रगति में विकासशील सुधार में योगदान रहा है, बल्कि उसे रणनीति का भी है, जिसे चीन ने सुधार के अवध में अपनाया है। विकास संकेत के मूल्यांकन स्वतंत्रता संबंधी सूचकों को ध्यान में रखा गया है। कैसा है? उन संबंधी सारी चीजों को इसमें क्या है, ध्यान में रखा गया है। तो एक बार पूरे चैप्टर को देख लीजिए, किसी को कुछ पूछना है, किसी को डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट कोई क्वेरी? अब आपको समझ आया होगा ये वाला पूरा कि भारत ने हमें पड़ोसी देश इतिहास में मित्र अर्थव्यवस्था की भागीदारी आवश्यकता को सहयोग बना दिया है, जिन्हें भगवान ने इस प्रकार जोड़ा कि जिन्हें हम इंसान अलग नहीं कर पाया है। अभी पूरी कोटेशन जो है आपको अच्छी तरह से वो आपको समझ आ गई होगी। और इसी में हमने क्या पढ़ा, भारत और पाकिस्तान के आर्थिक और मानव विकास के तुलना की आपकी प्रवृत्ति को समझा।
वर्तमान में अपनाई गई नीति और उनका मूल्यांकन हमने करा, इन सारी चीजों को हमने समझने का प्रयास किया। ध्यान दीजिए सामने, इसी तरह से बच्चों आपका पूरा चैप्टर जो है समाप्त हो गया और पूरे चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से देख लिया। तो मेरे बच्चों अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे चैट के माध्यम से लाइव जुड़कर अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।